हेलो दोस्तों, मैं हूँ तुहिन और आप देख रहे हैं हाईटेक ब्रो। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ इस महीने लॉन्च होने वाले काफ़ी सारे फोन्स के बारे में। अगर आपको जानना है कौन सा ब्रांड कौन सा नया फ़ोन लेके आ रहा है इंडिया में, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए इन सारे फोन्स के बारे में अच्छे से जानने के लिए। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें। आगे अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। सबसे पहले हम बात करेंगे नोकिया के बारे में। नोकिया भी इस महीने काफ़ी सारे फ़ोन लेके आ सकता है, जैसे कि नोकिया 8.3, 2.4, 3.4। लेकिन इन तीनों फ़ोन्स में से कौन सा फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा वो अभी तक पक्का नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है नोकिया 8.3 लॉन्च हो सकता है। इसमें आपको मिल जाएगा 5G का सपोर्ट, 6.81 इंच का IPS LCD डिस्प्ले जो पंच होल के साथ आने वाला है, और इसमें आपको मिल जाएगा 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट, और ये आता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 765G के साथ, क्वाड कैमरा सेटअप 64+12+2+2। सेल्फी के लिए आपको मिलता है 24 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh का बैटरी, 18 वाट के फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ, और इसका प्राइस हो सकता है 47,000 के करीब। और जो नोकिया का 2.4 और 3.4 का फ़ोन है, ये बजट फ़ोन होने वाला है। अब देखते हैं इनमें से कौन सा फ़ोन इंडिया में लॉन्च होता है। इसके बाद जिस ब्रांड के बारे में हम बात करेंगे वो है इन्फिनिक्स। इसमें इन्हें आपको इन्फिनिक्स का नोट 7 सीरीज़ का दो फ़ोन देखने को मिल जाएगा, जो है इन्फिनिक्स नोट 7 और इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट। ये दोनों ही बजट रेंज का फ़ोन होने वाला है अच्छे स्पेक्ट के साथ। इन्फिनिक्स नोट 7 में आपको मिल जाएगा 6.95 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले पंच होल के साथ, मीडियाटेक हीलियो G70 का प्रोसेसर, ट्रिपल कैमरा सेटअप 48+2+2, और सेल्फी के लिए आपको मिल जाएगा 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh का बैटरी, 18 वाट के फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ, और इसका कीमत हो सकता है 10,000 के करीब। और इन्फिनिक्स नोट 7 लाइट, इसमें आपको मिल जाएगा 6.6 इंच का HD+ IPS LCD डिस्प्ले पंच होल डिस्प्ले के साथ, मीडियाटेक हीलियो P22 का प्रोसेसर, ट्रिपल कैमरा सेटअप 48+2+2, और सेल्फी के लिए आपको मिल जाएगा 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh का बैटरी, और इसका प्राइस हो सकता है 7000 के करीब। ये दोनों ही काफ़ी अच्छा बजट फ़ोन हो सकता है। अगर आप बजट फ़ोन लेना चाहते हैं तो इन दोनों फ़ोन के लिए ज़रूर वेट कीजिए। अब बात करते हैं ASUS के बारे में। इस महीने आपको ASUS ZenFone 7 सीरीज़ का दो फ़ोन देखने को मिल सकता है। एक होने वाला है ASUS ZenFone 7 और ZenFone 7 Pro। ये फ़ोन चाइना में लॉन्च हो चुका है, ये फ्लैगशिप फ़ोन होने वाला है। लेकिन ASUS ZenFone 7 7Z के नाम से भी आ सकता है, क्योंकि पिछले बार ASUS ZenFone 6 6Z के नाम से आया था। तो आपको ASUS ZenFone 7 में देखने को मिलता है 5G का सपोर्ट, 6.6 इंच का फुल HD+ AMOLED डिस्प्ले, 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर, ट्रिपल कैमरा सेटअप 64+12+8 जो कि फ्लिप कैमरा हो सकता है। इसका मतलब एक ही कैमरा मेन कैमरा और सेल्फी कैमरा के लिए यूज़ होता है, बस कैमरा फ्लिप हो जाता है सामने की तरफ। और इसमें आपको मिल जाएगा 5000 mAh का बैटरी, 30 वाट के फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ, और इसका प्राइस हो सकता है 55,000 के करीब। और ASUS ZenFone 7 Pro ये पक्का नहीं है, क्योंकि इसका प्राइस बहुत ही हाई है। ये आपको मिल सकता है 70,000 के करीब। तो मुझे नहीं लगता ये लॉन्च होने वाला है, फिर भी देखते क्या होता है। अब बात करते हैं वीवो के बारे में। वीवो के सब ब्रांड IQ की तरफ से भी आपको फ़ोन मिल सकता है, जो कि है IQ5 जो पहले ही चाइना में लॉन्च हो चुका है। ये फ्लैगशिप फ़ोन है। इस फोन में आपको मिल जाता है 5G का सपोर्ट, 6.5 इंच का AMOLED डिस्प्ले, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर। इसमें आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप 50+13+13 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh का बैटरी, 55 वाट का फास्ट चार्जिंग के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा है। और इसका प्राइस हो सकता है 43,000 के करीब। लेकिन ये फ़ोन का भी अभी पक्का नहीं है, ये शायद आ सकता है क्योंकि ये चाइना में लॉन्च हो गया है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अगर आप इस फ़ोन को लेना चाहते हैं तो आप वेट कीजिए, इस महीने आपको पता चल जाएगा। अब बात करते हैं मोटोरोला के बारे में। मोटो G9 तो पहले ही लॉन्च हो गया है, जो आपको मिलता है 12,000 के करीब। अब आपको मोटो G9 प्लस देखने को मिल सकता है। मोटो G9 प्लस में आपको मिल जाएगा 6.5 इंच का फुल HD+ IPS डिस्प्ले पंच होल के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 665 का प्रोसेसर, क्वाड कैमरा सेटअप 64+16+5+2 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4700 mAh का बैटरी, और इसका प्राइस हो सकता है 20,000 के अंदर। अब बात करते हैं ओप्पो के बारे में। ओप्पो का F17 सीरीज़ का दो फ़ोन आने वाला है, F17 और F17 Pro। ये काफ़ी पतला और कॉम्पैक्ट फ़ोन है। अगर आपको एक स्टाइलिश फ़ोन चाहिए जो काफ़ी पतला हो, तो आप इस फ़ोन के लिए जा सकते हैं। ओप्पो F17 में आपको मिलता है 6.44 इंच का फुल HD+ सुपर AMOLED डिस्प्ले, जो कि वाटर ड्रॉप नॉच के साथ आता है, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 662 का प्रोसेसर,
क्वाड कैमरा सेटअप, 16+8+2+2 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4000 mAh का बैटरी, 30W का वोक चार्जिंग के साथ, और ये फ़ोन हो सकता है 22,000 के करीब। और ओप्पो F17 Pro में आपको देखने को मिलेगा 6.43 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड पंच होल डिस्प्ले, मीडियाटेक हीलियो P95 प्रोसेसर के साथ, क्वाड कैमरा सेटअप 48+8+2+2 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है डुअल सेल्फी कैमरा 16+2 मेगापिक्सल, और आपको इसमें मिलता है 4000 mAh का बैटरी 30W के वोक चार्जिंग के साथ। इसका प्राइस हो सकता है 26,000 के करीब। अब बात करते हैं Xiaomi के बारे में। काफ़ी दिन इंतजार करने के बाद इस महीने आपको फाइनली देखने को मिलेगा Redmi K30 Pro, जिसमें आपको फ्लैगशिप फ़ोन जैसा स्पेक देखने को मिलेगा। Redmi K30 Pro में आपको मिल जाएगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 का प्रोसेसर, क्वाड कैमरा सेटअप 64+13+8+2 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 20 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा, 4700 mAh का बैटरी, 33W का फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ, और इसका प्राइस हो सकता है 32,000 के करीब। इसके साथ और एक फ़ोन आ सकता है जिसका नाम है Xiaomi Redmi 9A। एक बजट फ़ोन होने वाला है। इसमें आपको मिल जाएगा 6.53 इंच का HD प्लस IPS डिस्प्ले, मीडियाटेक हेलियो G25 का प्रोसेसर, और इसमें आपको मिलता है सिंगल कैमरा जो कि है 13 मेगापिक्सल का, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 5 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh का बैटरी इसमें मिलता है जो कि अच्छी बात है, और ये फ़ोन का प्राइस हो सकता है 6,000 के करीब। और Xiaomi का सब ब्रांड पोको भी एक फ़ोन लॉन्च करने वाला है जिसका नाम है पोको X3, जो पोको की तरफ से एकदम नया फ़ोन है, किसी भी फ़ोन का रीब्रांडेड वर्जन नहीं है। पोको X3 लॉन्च किया गया है OnePlus Note को टक्कर देने के लिए। जब ये फ़ोन आएगा तब हम देखेंगे ये टक्कर दे सकता है कि नहीं, लेकिन पोको X3 में आपको मिलता है 6.67 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, जो आता है 120Hz का रिफ्रेश रेट के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 675G का प्रोसेसर, क्वाड कैमरा सेटअप 64+8+2+2 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है डुअल कैमरा जो कि 20+2 मेगापिक्सल, 5160 mAh का बैटरी, 33W के फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ, और इसका प्राइस हो सकता है 25,000 के करीब। अब बात करते हैं Realme के बारे में। इस महीने Realme 7 सीरीज का आपको दो फ़ोन देखने को मिल जाएगा जो कि मिड रेंज का फ़ोन होगा, जो कि है Realme 7 और Realme 7 Pro। Realme 7 में आपको मिल जाएगा 6.5 इंच का फुल HD प्लस IPS डिस्प्ले, G90T का प्रोसेसर, क्वाड कैमरा सेटअप 64+8+2+2 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 5000 mAh का बैटरी, 30W के फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ, और इसका प्राइस हो सकता है 14,000 के करीब। और Realme 7 Pro इसमें आपको मिलता है 6.4 इंच का सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि आता है पंच होल के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G का प्रोसेसर, क्वाड कैमरा सेटअप 64+8+2+2 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, 4500 mAh का बैटरी, 65W का फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ, और इसका प्राइस हो सकता है 18,000 के करीब। और इसके साथ Realme C17 जो कि Realme C15 का अपग्रेड वर्जन होगा, ये भी आ सकता है लेकिन अभी तक पक्का नहीं है। और उसके साथ Narzo 20 सीरीज का दो फ़ोन भी लॉन्च कर सकता है, Narzo 20 और Narzo 20 Pro। इसका भी लॉन्च पक्का नहीं है, शायद आपको इस महीने दिख जाए। सबसे आखिर में बात करते हैं Samsung के बारे में। इस महीने शायद आपको Samsung Galaxy M51 देखने को मिल जाए। जैसे कि आप सबको पता है Samsung Galaxy का M सीरीज में जितना भी फ़ोन है जैसे कि M30, M20, M40, इन सब से Samsung का M51 सबसे ज़्यादा महंगा होने वाला है, जो कि होने वाला है 25,000 के करीब। Samsung Galaxy M51 में आपको मिल जाएगा 6.67 इंच का फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले जो कि आता है पंच होल के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 730 का प्रोसेसर, क्वाड कैमरा सेटअप 64+12+5+5 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, और इसमें आपको मिलता है सबसे बड़ा बैटरी जो कि है 7000 mAh का, जो कि आता है 25W के फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ। और इस महीने आपको Samsung Galaxy Z Fold 2 भी देखने को मिलेगा जो कि काफ़ी महंगा होने वाला है। ये आपको 180,000 के करीब देखने को मिलेगा। इसमें आपको मिलता है 5G का सपोर्ट, 7.6 इंच का डायनामिक एमोलेड डिस्प्ले जो कि आता है पंच होल के साथ, क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्लस का प्रोसेसर, ट्रिपल कैमरा सेटअप 12+12+12 मेगापिक्सल, और सेल्फी के लिए आपको मिलता है डुअल कैमरा सेटअप जो कि है 10+10 मेगापिक्सल, 4500 mAh का बैटरी जो आता है 25W के फास्ट बैटरी चार्जिंग के साथ। यही था कुछ फ़ोन जो इस महीने लॉन्च होने वाला है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और कमेंट में बताइए कौन सा फ़ोन आपको सबसे अच्छा लगा है और किस फ़ोन के लिए आप वेट कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल हाईटेक ब्रो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी हम लोग न्यू वीडियो अपलोड करें। तो इस वीडियो में बस इतना ही, आप सबसे फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।